डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वकास अजीम, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। आई वेलकम यू टू द डिजिटल क्लासेस ऑफ डीपीएस एंड इंटर कॉलेज साहिवाल। हियर आई विल टीच यू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोटीन्स। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी functions of proteins, structure of amino acids, peptide bond and classification of proteins. Living organisms में सबसे abundant compound water है, लेकिन living organisms में सबसे abundant organic compound proteins है। और cell का dry weight जो है उसमें 50% से ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं। ड्राई वेट क्या होगा? अगर हम सेल का वाटर एवेपोरेट कर दें तो जो बाकी वेट बचेगा उसे हम कहेंगे ड्राई वेट। प्रोटीन्स जो हैं हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा सेल के हर पार्ट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब है कि हमारे सेल्स के या हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस भी प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफरेंट प्रोटीन्स के फंक्शंस। सबसे पहले एंजाइम्स। हमारी बॉडी में ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो नेचर में प्रोटीन्स हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो नेचर में आरएनए, और एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं, और एंजाइम्स ज्यादातर नेचर में प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी नेचर में प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स खुद तो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जो हमारी बॉडी में पहले से एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हम एग्जांपल लेंगे इंसुलिन की। ये हार्मोन नेचर में प्रोटीन है और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन लिपिड्स को और मेटल आयंस को भी ट्रांसपोर्ट करती है। एंटीबॉडीज, ये भी नेचर में प्रोटीन्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और ये एंटीबॉडीज जो है हमें पैथोजिन से यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं। फाइब्रिनोजिन, ये एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। अगर कहीं पे हमारी बॉडी पे कोई वाउंड आ जाता है और वहां से ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन जो है वो फाइब्रिन में चेंज हो जाएगी, और ये फाइब्रिन जो है ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से वाउंडेड साइड पे एक टेम्परी सील बन जाएगी और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। फाइब्रिनोजिन जो है ये लीवर सिंथेसाइज करते हैं। इसी तरह से एक्टिन और मायोसिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से हमारे मसल सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं। ट्यूबुलिन, ये प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करती है। स्पिंडल फाइबर्स जो है ये सेल डिवीजन में बनते हैं, और इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम्स अटैच होंगे, और जब ये स्पिंडल फाइबर्स
ऑपोजिट पोल्स के ऊपर कंट्रैक्ट करेंगे, तो क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के दौरान में क्रोमोसोम्स की या सिस्टर क्रोमाटिड्स की ऑपोजिट मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। इसी तरह से इंटरफेरॉन्स ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, इन्हें टी लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स भी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, और इंटरफेरॉन्स जो है ये हमारे सेल्स में वायरसेस की ग्रोथ को रोकते हैं, इस वजह से हमें वायरल इंफेक्शन से बचने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हमारे सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। जैसे सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उनका एक इंटीग्रल पार्ट प्रोटीन्स भी है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फंक्शंस थे प्रोटीन्स के। नाउ वी विल स्टडी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीमर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर। तो प्रोटीन्स को भी हम पॉलीमर्स कहते हैं क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो भी लार्ज नंबर में सिमिलर यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, और उन सिमिलर यूनिट्स को हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, और ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। प्रोटीन्स जो हैं इनमें फोर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। यानी डिफरेंट प्रोटीन्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो वेरी करते हैं। हम एग्जांपल लेंगे इंसुलिन की, ये सबसे स्मॉल प्रोटीन है। इंसुलिन का वन मॉलिक्यूल जो है उसमें सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह से हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन हमने स्टडी किया कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन के वन मॉलिक्यूल के अंदर 574 अमीनो एसिड्स हैं। तो डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वेरी करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे अमीनो एसिड्स को। नेचर में टोटल 170 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। इन 170 अमीनो एसिड्स में से 25 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में यूज होते हैं। इसका मतलब है कि सब अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाने में यूज नहीं होते। अमीनो एसिड्स इंडिपेंडेंटली भी बॉडी में फंक्शन कर सकते हैं, और 25 में से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हर प्रोटीन का पार्ट है। ह्यूमन बॉडी में भी जितनी प्रोटीन्स हैं वो इन्हीं 20 टाइप के अमीनो एसिड्स के मिलने से बनी। ह्यूमन बॉडी में जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जिनसे डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं उन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दे मस्ट कम विद फूड। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इनका इनटेक हम फूड के जरिए करते हैं, इसीलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्योंकि अगर हम इन अमीनो एसिड्स का इनटेक फूड के जरिए नहीं करेंगे तो इन अमीनो एसिड्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वो 20 अमीनो एसिड्स जिनसे हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं उनमें से 9 अमीनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। और इनके नेम्स हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन,
ल्यूसीन, मेथियोनीन, फिनाइल एलानीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफेन, विलाइन और लाइसिन। सेकेंड आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वी कैन डिफाइन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स डेट कैन बी मेड बाय ह्यूमन बॉडी, यानी वो अमीनो एसिड्स जिन्हें ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, उन अमीनो एसिड्स को हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, और डाइट के जरिए इन अमीनो एसिड्स का अपटेक जो है वो जरूरी नहीं है, इसीलिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और 20 में से 11 अमीनो एसिड्स जो हैं वो नॉन एसेंशियल है। एक और भी कैटेगरी है कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये यही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हम कहते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो 11 नंबर में हैं, इनमें से 7 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज तो कर लेती है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे इलनेस या स्ट्रेस में हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाती, उस वक्त हमें फूड के जरिए इन अमीनो एसिड्स का इंटेक करना पड़ता है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशंस आएंगी तो हमारी बॉडी दोबारा से इन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करना शुरू कर देगी। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनके नेम्स हैं आर्जिनिन, अस्पार्जिन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेराइन और टायरोसिन। ये 7 अमीनो एसिड्स जो हैं इलनेस या स्ट्रेस में प्रिपेयर नहीं करेगी बॉडी, बाकी कंडीशंस में हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर लेगी। और 4 अमीनो एसिड्स एलानीन, अस्पार्टेट, सिस्टीन और ग्लूटामेट, इन्हें हमारी बॉडी हर कंडीशन में सिंथेसाइज कर लेती है। इन सबको हम नॉन एसेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का एक जर्नल फॉर्मूला है, और अगर हम इस अमीनो एसिड के जर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसके सेंटर में हमें कार्बन का एटम नजर आएगा। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इस अल्फा कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच होंगे। एक होगा अमीनो ग्रुप NH2, सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक अमीनो ग्रुप था और एक एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। थर्ड जो ग्रुप अटैच होता है इस कार्बन एटम के साथ वो है हाइड्रोजन। जितने भी नेचर में अमीनो एसिड्स हैं उन सब में अल्फा कार्बन भी होगा, अमीनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और हाइड्रोजन भी होगी। डिफरेंस आएगा आर में, इस साइड चेन में डिफरेंट अमीनो एसिड्स में ये आर ग्रुप जो है ये डिफरेंट होता है। आर जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। जैसे हम एक अमीनो एसिड स्टडी करेंगे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में इस आर की जगह पे हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा इस आर की जगह पे कोई और ग्रुप भी हो सकता है, कोई हाइड्रोकार्बन की चेन भी हो सकती है। ये 4 अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर को। फर्स्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, सेकंड है एलानिन, थर्ड है सिस्टीन और फोर्थ है सेराइन। इन चारों अमीनो एसिड्स के अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इन सबके सेंटर में कार्बन का एटम होगा जिसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ देखें अमीनो ग्रुप भी अटैच होगा हर अमीनो एसिड में। इसी तरह से इस अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है सब अमीनो एसिड्स में। इस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है 4 के 4 अमीनो एसिड्स में। डिफरेंस कहां पे आएगा, इस जगह पे साइड चेन में। ग्लाइसिन में आर की जगह पे हाइड्रोजन है, एलानिन में आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप है, सिस्टीन में आर की जगह पे सी एच एस एच है,
इस अमीनो एसिड में देखें सल्फर भी प्रेजेंट है और सिराइन जो है उसमें आर की जगह पे प्रेजेंट है सी एच ओ एच। अब जब अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यहां पे हम टू अमीनो एसिड्स को आपस में अटैच करेंगे, ग्लाइसिन को और एलानिन को, और जब ग्लाइसिन और एलानिन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ग्लाइसिन और एलानिन के जुड़ने से बनेगा ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिल एलानिन को हम डाइपेप्टाइड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें टू अमीनो एसिड्स होंगे। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, फर्स्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी ओएच ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इस अमीनो एसिड के, और जो सेकंड अमीनो एसिड है एलानिन, इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, अमीनो ग्रुप से आएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन के मिलने से वन वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो कार्बन नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमीनो एसिड रिलीज वाटर एंड कार्बन नाइट्रोजन लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स में और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स है वो फाइबर्स यानी धागों की शक्ल में होंगी और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो राउंडेड शेप की होंगी। लेकिन फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को स्टडी करने से पहले हमें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के लेवल्स को स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब भी कोई प्रोटीन बनती है तो उसमें अमीनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है उसमें अमीनो एसिड्स लीनियर चेन में होते हैं, इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, ये किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज होगा या फिर क्वार्टरी स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अब जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें अमीनो एसिड्स जो है वो एक लीनियर चेन की फॉर्म में अरेंज थे, लेकिन जब यही पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें अमीनो एसिड्स लीनियर फॉर्म में अरेंज थे ये स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगी तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो पहले लीनियर फॉर्म में थी वो स्पाइरल फॉर्म में आएगी कैसे। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी लीनियर फॉर्म में, इसमें कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और जब पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होंगे तो वो अमीनो एसिड्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुए वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो लीनियर फॉर्म में थी वो स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगी, इससे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हीलिक्स। और अगर यही अल्फा हीलिक्स जो है इसमें मल्टीपल फोल्डिंग होती जाए तो एंड पे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अगर बहुत से टर्शरी स्ट्रक्चर एक जगह पे इकट्ठे होके आपस में डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस के जरिए जुड़ जाएं तो वो बनेगा क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम स्टडी करेंगे फाइब्रस प्रोटीन्स को सबसे पहले। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं
वो या तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होंगी, यानी स्पाइरल फॉर्म में होंगी, या फिर अल्फा हेलिक्स जो होती है वो लेफ्ट साइड पे देख के बेंट हो जाती है, और जब अल्फा हेलिक्स लेफ्ट साइड पे बेंट होगी तो बनेगा बीटा प्लेटेड शीट। तो जो अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड शीट है, ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, और वो प्रोटीन्स जिनमें अल्फा हेलिक्स होगी या फिर बीटा प्लेटेड शीट होगी, वो प्रोटीन्स फाइबर्स की फॉर्म में होंगी, धागों की शक्ल में होंगी। तो जो फाइबर्स प्रोटीन्स होती हैं वो या तो इस तरह से अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, या फिर बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज होंगी, इसीलिए इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड, जो फाइब्रस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल होती है एक्वस मीडिया में। एक्वा का मतलब होता है वाटर। जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये सॉल्ट सॉल्यूशन में भी इनसॉल्युबल हैं, एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस में भी इनसॉल्युबल होती हैं, और एक्वस अल्कोहल में भी इनसॉल्युबल होती हैं। एक्वस अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें हमने वाटर मिक्स किया, और जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और नेचर में स्लाइटली इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब है कि इनमें थोड़ी बहुत स्ट्रेच होने की एबिलिटी भी होती है, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए हमारे सेल्स के और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फाइब्रस प्रोटीन से बने होंगे। एग्जाम्पल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की, सिल्क फाइबर, ये सिल्क वर्म रिलीज करता है। स्पाइडर्स वेब जो है ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन, ये हमारे मसल सेल्स में होती है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉट बनाता है ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। और केराटीन, ये हमारे नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट होती है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। सेकंड आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं ये एलिप्सॉइडल या फिर स्फेरिकल फॉर्म में होती हैं। स्फेरिकल का मतलब है राउंडेड और एलिप्सॉइडल का मतलब है ओवल शेप। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल फॉर्म में आती कैसे हैं? जो अल्फा हेलिक्स थी इसमें हमने पहले भी पढ़ा कि मल्टीपल फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स जो हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये राउंडेड शेप में आ जाएंगे, और इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये एक्वस मीडियम में सोल्युबल होती हैं, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ये डिसॉल्व हो जाती हैं, एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस में भी डिसॉल्व हो जाती हैं, और एक्वस अल्कोहल में भी डिसॉल्व हो जाती हैं, और हम इन्हें क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस चेंज कर दें, जैसे अगर एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, हम इंजाइम्स की एग्जांपल ले लेते हैं, इंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और आपको पता है कि अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। क्यों मेंटेन नहीं रहेगा? क्योंकि वो बॉन्डिंग फोर्सेस जो कि एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही थी, वो बॉन्डिंग फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा, और हम कहेंगे कि वो प्रोटीन डीनेचर हो गई। तो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस चेंज कर दें, जैसे हम टेम्परेचर बहुत हाई कर दें या पीएच में बहुत ज्यादा चेंज कर दें, तो उससे ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं, इनकी शेप मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, और ये क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम। इनके हमारे बॉडी में फंक्शनल रोल है, क्योंकि ये वाटर में सोल्युबल होती हैं। जैसे इंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ये इनका फंक्शनल रोल है एंजाइम्स का। एंटीबॉडीज हमें डिजीज से डिफेंड कर रही हैं, ये फंक्शनल रोल है। इसी तरह से हार्मोन्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं, ये भी फंक्शनल रोल में आ जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये भी फंक्शनल रोल है प्रोटीन का हमारी बॉडी। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ अवर टूडेज टॉपिक। नेक्स्ट टाइम
हम किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल डेट, अल्लाह हाफिज।